हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में ऑनेस्ट रिएक्शन में फ्रेंड्स। और आज मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड्स, वो है मराठा रेजिमेंट शौर्य गाथा। तो ये वीडियो है द हिस्ट्री टीवी की तरफ से। हिस्ट्री टीवी, कॉपीराइट मत देना। और ये जो सजेशन आया है फ्रेंड्स, ये सजेशन आया है फ्रेंड्स सुनील कुमार जी की तरफ से। तो आज हम इस पे रिएक्शन देंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी फ्रेंड। ये द हिस्ट्री की टीवी चैनल की वीडियो है फ्रेंड्स। तो ओरिजिनल वीडियो को आप ज़रूर सब्सक्राइब, वीडियो को देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मेरा भी वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। और आइए पहले देख लेते हैं मराठा रेजिमेंट शौर्य गाथा, उसके बाद हम बात करते हैं। जो मरने से डरते नहीं वो मराठा, जो झुकते नहीं वो मराठा, जिनके आने से ही मुगलों के मन में हड़कंप मच जाता वो मराठा, जिनके कारण दिल्ली में स्वराज का डंका बजा वो मराठा, जिन्होंने बंगाल से लेकर गुजरात तक और अटक से लेकर कटक तक भगवा फड़काया वो मराठा। शौर्य और बहादुरी से पूर्ण इतिहास रहा है मराठों का, इसीलिए तो भारत की सेना में कार्यरत है मराठा रेजिमेंट। मैं चित्रा, गौरवशाली भारत के इतिहास के वीडियो से भरे हमारे चैनल द हिस्ट्री टीवी में आपका स्वागत। अच्छी वीडियो लग रही है फ्रेंड। आज मैं मराठा रेजिमेंट के बारे में वो बातें बताऊंगी जिनसे शायद आप अनजान हैं। यूं तो भारत की सेना को टुकड़ियों में बांटकर हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, और हमें अंदाजा लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भारतीय सेना का हर एक शख्स शौर्य से निपुण है। मराठा रेजिमेंट के बारे में जानने से पहले आपको ये जान लेना होगा कि रेजिमेंट क्या है और क्यों है। वैसे तो भारत में प्राचीन काल से ही सेना पद्धति चली आ रही है। 17वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों के पैर भारत की जमीन पर जमने लगे, तब उन्होंने आधुनिक और सिस्टमैटिक सेना पद्धति का विकास किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शुरुआती समय से ही अंग्रेजों की फौज में खुद अंग्रेजों की संख्या कम होती थी, पर स्थानीय लोगों की भर्ती कर उन्होंने अपनी फौज काफी हद तक ताकतवर बना ली थी। व्यापारियों के तौर पर आए अंग्रेज, फ्रेंच, पोर्चुगीज और स्पैनिश लोगों ने यहाँ के लोग, मिट्टी और समाज का बारीकी से अध्ययन किया। भारत के जो राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलते, उन राज्यों की सेना को अंग्रेज अपने हिसाब से तैयार करते थे। अलग अलग क्षेत्र के लोगों की अलग अलग युद्ध नीति और बहादुरी को देख अंग्रेजों ने क्षेत्र के हिसाब से मिलिट्री यूनिट्स शुरू की। उन यूनिट्स में सिर्फ उसी क्षेत्र के लोगों को नियुक्त किया। हालांकि स्वतंत्र भारत में सिस्टम में बदलाव आए और आज कोई भी किसी भी रेजिमेंट में अपनी सेवाएं दे सकता है। तो दोस्तों, इन्हीं मिलिट्री यूनिट्स को रेजिमेंट कहते हैं। आज भी इस बात पर बहस होती रहती है कि सबसे पुरानी रेजिमेंट कौन सी है। कई लोगों का मानना है कि मद्रास रेजिमेंट का गठन 1758 में हुआ और पंजाब रेजिमेंट की शुरुआत 1761 में। इंडियन आर्मी ने ऑफिशियली ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है जिससे सबसे पुरानी रेजिमेंट का पता चलता हो, पर यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ऑफिशियल डेट के हिसाब से मराठा रेजिमेंट का गठन 1768 में हुआ था। अंग्रेजों द्वारा मराठा रेजिमेंट का गठन होना इसीलिए जरूरी था क्योंकि मराठों का इतिहास अंग्रेजों ने बड़ी करीब से देखा था। मराठे संख्या बल में भले ही कम थे, पर छापेमार युद्ध नीति, सर्जिकल स्ट्राइक, समय से पहले पहुंचकर दुश्मन को रास्ते में ही परास्त कर देना और नैसर्गिक उत्पादों का उपयोग युद्ध में करना, इन सब नीतियों से मराठा साम्राज्य को बनते हुए अंग्रेजों ने खुली आंखों से देखा था।
और इसीलिए मराठा रेजिमेंट का गठन अच्छा। किया। शुरुआती तौर पर उन्हें बॉम्बे सीपोय के नाम से जाना जाता था। और सबसे बड़ी बात ये है कि खुद अंग्रेज भी मानते थे कि जब से मराठा रेजिमेंट की शुरुआत हुई है तब से लेकर दूसरे विश्व युद्ध तक ब्रिटिश आर्मी का पलड़ा भारी रहा था। 17 से लेकर 18वीं सदी तक स्थानीय युद्ध में मराठा रेजिमेंट की बटालियन को ही भेजा जाता था। उनकी बहादुरी देख अंग्रेजों ने अफगान, चाइना, अफ्रीका और यूरोप में भी उन्हें भेजना शुरू कर दिया। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में मराठा रेजिमेंट का शौर्य देखकर खुद अंग्रेज भी चौंक गए थे। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों की ताकत कम होने लगी। तब अंग्रेज अपनी ही रेजिमेंट के लोगों से डरने लगे थे, क्योंकि उनको पूरा शक था कि जैसे 1857 का संग्राम उनकी ही सेना ने शुरू किया था, ठीक वैसे ही अगर मराठा रेजिमेंट्स ने विद्रोह शुरू किया तो अंग्रेज कहीं भाग भी नहीं पाएंगे, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद उनके सर से छत हट चुकी थी। और वहीं गांधी जी के असहयोग आंदोलन से ब्रिटिश साम्राज्य टूटने लगा था। मराठा रेजिमेंट उन चंद रेजिमेंटों में से एक है जिनके दो सेनानियों को विक्टोरिया क्रॉस देकर सम्मानित किया गया था। आपको बता दें कि विक्टोरिया क्रॉस ब्रिटेन का सबसे बड़ा नागरिक और सैन्य सम्मान है। 1945 में जिन्हें यह सम्मान दिया गया था उनका नाम था नामदेव जाधव और यशवंत घाटगे। अपनी मातृभूमि से दूर जर्मनी में पराक्रम दिखाने वाले मराठा रेजिमेंट के इन दो जवानों ने अपने रेजिमेंट की शान में चार चांद लगा दिए। आपको बता दें कि मराठा रेजिमेंट एक प्रकार की लाइट इन्फेंट्री है। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना, और लाइट इन्फेंट्री का मतलब है प्रकाश के वेग से एक से दूसरी जगह बिना थके पैदल ही सफर करने वाली। ये हम देखे रैली, आजादी रैली होती है ना, तब हम देखते हैं। रेजिमेंट ने सेना में रहकर शौर्य को नया आयाम देना नहीं छोड़ा। आजादी तो पूरे भारत को मिल चुकी थी, पर उधर गोवा में पोर्चुगीज अपना डेरा जमाए बैठे थे। सेना के आदेश पर मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ने बेलगांव से लेकर गोवा तक का 110 किलोमीटर का सफर पैदल ही पार किया और गोवा को आजाद भी कराया। इतना ही नहीं बल्कि गोवा के साथ दमन और दीव को भी आजाद भारत में शामिल कराया। 1758 में जिन मराठाओं ने सीमा के पार अटक में झंडा गड़ाया था, वही पराक्रम 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में एक बार और देखने को मिला। बाघा बॉर्डर को पार करते हुए मराठा रेजिमेंट के जवानों ने पाकिस्तान के इलाकों को कब्जे में कर लिया। 1971 की लड़ाई में बांग्लादेश को आजाद कराने में भी मराठा रेजिमेंट ने बड़ा सहयोग दिया था। मराठा रेजिमेंट की 22वीं टुकड़ी का नेतृत्व करने वाले कर्नल शंभाजी पाटिल ने साहस और पराक्रम दिखाते हुए बांग्लादेश के ढाका पर कब्जा कर लिया था। भारत के हर एक राज्य में मराठा रेजिमेंट की टुकड़ियां कार्यरत हैं। पैराशूट रेजिमेंट के साथ ही यूएन की शांति सेना में भी मराठा रेजिमेंट कार्यरत है। 2008 के मुंबई अटैक के आतंकियों को मौत के घाट उतारने के लिए जो फोर्सेस हेलीकॉप्टर से भेजी गई थी, उनमें भी मराठा रेजिमेंट का जवान शामिल था। इतना ही नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक में भी मराठा रेजिमेंट के जवानों ने मिसाल थी। मराठा रेजिमेंट की गौरवशाली गाथा यही खत्म नहीं हो रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम मराठा रेजिमेंट के खून में ही है, इसीलिए इस रेजिमेंट के घोष वाक्य में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम है। वाह भाई वाह। विक्टोरिया क्रॉस, 5 अशोक चक्र, 29 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 4 महावीर चक्र, 15 कीर्ति चक्र, 35 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 44 वीर चक्र, 64 शौर्य चक्र, 4 युद्ध सेवा मेडल, 440 सेना मेडल, 1 अर्जुन अवार्ड और पद्म भूषण अवार्ड। इन सभी सम्मानों से बनती है मोस्ट डेकोरेटिव रेजिमेंट ऑफ इंडिया। ड्यूटी, ऑनर,
और करेक्ट से भरी मराठा रेजिमेंट का हिस्ट्री टीवी शत शत नमन करता है। इतिहास के ऐसे ही किस्सों को जिंदा करने वाले कई वीडियोस को देखने के लिए आप अभी हमें सब्सक्राइब करें, जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। हाँ फ्रेंड्स, तो द हिस्ट्री टीवी फ्रेंड्स चैनल का नाम है और बहुत 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 अच्छी वीडियो है और बहुत डीपली जानकारी है इसमें, और ओरिजिनल वीडियो को जरूर देखें फ्रेंड, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जितना हो सके उतना शेयर करें फ्रेंड्स। इतनी डिटेलिंग में हम लोगों को नहीं पता होता है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो बहुत अच्छी है, ज़रूर शेयर करें और ज़रूर देखें। और हमने देखा फ्रेंड मराठा रेजिमेंट, तो ये और मेरे को एक बात बहुत अच्छी पता चली कि मैं हमेशा सुनती हूँ, क्योंकि सेना के बारे में मैं हमेशा वीडियो देखती रहती हूँ फ्रेंड, और ज़्यादातर आप मेरे वीडियो देखना सर सेना पे ज़्यादा रिएक्शन हो गए फ्रेंड्स, तो उसमें मैं ये बात नहीं समझ पाती कि ये मतलब ये रेजिमेंट क्या है। हम कभी सुनते हैं पंजाब रेजिमेंट, ये मराठा रेजिमेंट, ऐसे हम सुनते हैं, तो ये मेरे को नहीं पता था इसका जो गठन है वो ये अंग्रेज लोगों ने किया है, और हमारी जो मुग़ल के साथ लड़ाई थी जो हम उसमें वो ये अंग्रेज लोगों ने अच्छे से स्टडी किया होगा कि मुग़लों के सामने कैसे हम जो हमारे मराठा जो हमारे लेजेंड थे वो कैसे उससे लड़े थे, छत्रपति शिवाजी महाराज है, पेशवा बाजीराव जी है, और छत्रपति संभाजी महाराज है फ्रेंड्स, वो सब बड़े लेजेंड है, बड़े बड़े हमारे जो लेजेंड है वो किस हिसाब से उससे युद्ध करते होंगे, तो उस हिसाब से अंग्रेजों ने ये रेजिमेंट बनाई होगी जहाँ तक मेरे को पता चला है, मेरे समझ में आया है फ्रेंड्स, उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ। और कितने अवार्ड है फ्रेंड, अर्जुन अवार्ड और कितने अवार्ड है, मतलब जब अवार्ड के बारे में मतलब सुन रही थी ना फ्रेंड्स, तो एकदम ऐसे जोश आ जाता है फ्रेंड्स, कितने अवार्ड है हमारे जो मराठा रेजिमेंट है उस पर, और जो उसमें सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसमें भी मराठा रेजिमेंट के जवान थे, फिर जो 2008 में जो 26/11 हुआ बॉम्बे में जो हमला हुआ उसमें भी मराठा रेजिमेंट के जवान थे फ्रेंड्स। और एक बात जो मैं बताना चाहती हूँ, मेरे को जहाँ तक पता है मराठा रेजिमेंट मतलब उसी हिसाब पहले की रणनीति से ही बनी है, वो पहले की रणनीति जैसे मराठा जो हमारे लेजेंड थे बड़े बड़े मुग़ल के सामने युद्ध करते थे, युद्ध ही जो करते थे, उस हिसाब से अंग्रेजों ने मराठा रेजिमेंट बनाई है, तो वो जो मराठा रेजिमेंट बनाई है वही रणनीति से चलती है जो पहले के हमारे लेजेंड लड़ा करते थे, मराठा जो हमारे जो लेजेंड थे वो लड़ा करते थे, तो वो उसमें एक फैक्ट मैंने भी पढ़ा है फ्रेंड के जो इज़राइल की आज के युग में इज़राइल की जो सेना है ऑल वर्ल्ड में मानी जाती है, तो वो जो सेना है पता है वो किस रणनीति से लड़ते हैं, वो छापामार युद्ध करती है, और छापामार युद्ध जो रणनीति है वो आई है हमारे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज से फ्रेंड्स, ये रणनीति उनकी थी, वो हमेशा मुग़लों के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वो लड़ते थे छापामार युद्ध मुग़लों के सामने, वो जो रणनीति थी वो बहुत ही मतलब उससे बहुत फ़ायदा आया था और बहुत अच्छी रणनीति है, उसी रणनीति से लड़ते लड़ते छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुग़लों के सामने मतलब मराठा साम्राज्य स्थापित किया था, जो मैंने पढ़ा है उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ फ्रेंड्स, तो आप समझ लो हम देखते आज हमारे पास जो जो यूनिक चीज़ें हैं, जो जो अमूल्य चीज़ें हैं बड़ी बड़ी जो, वो सब हमारी हिस्ट्री से ही आई है, पहले से ही आई है फ्रेंड्स, और हमारी रणनीति हमारे जो ये लेजेंड लोगों की जो रणनीति है वो आज पूरी दुनिया अपना रही है, तो आप समझ लो कि मतलब कैसे योद्धा हो गए वो लोग, क्या आज
आधुनिक समय यानी एडवांस, आज का समय को हम एडवांस मानते हैं, और हम जो बाहर के देश है उसको सब लोग हम एडवांस मानते हैं कि वो लोग बहुत एडवांस है। तो वो एडवांस जो बड़ी बड़ी कंट्रियाँ है वो हमारे इंडिया से रणनीति उठाती है, हमारी इंडिया से काफ़ी लोगों ने चीज़ें ली है फ्रेंड्स, तो आप समझ लो कि उस हिसाब से तो हमारा इंडिया तो एडवांस से भी एडवांस हो गया फ्रेंड्स। और ये जो रणनीति जो बड़ी बड़ी कंट्रियाँ है आज यूज़ कर रही है वो तो हमारी करोड़ों साल पहले ही हम लोगों ने ये आयात कर ली थी, हमारे देश में आ गया तो फ्रेंड तो आ गई थी। तो फ्रेंड आप ये समझ लो हमारा इंडिया का तो वैसे ही कोई जवाब ही नहीं है, हम तो बेकार में ही वो कंट्री ये कंट्री वो कंट्री करते हैं कि वो काफ़ी एडवांस है। वो एडवांस कंट्री हमारे यहाँ से मतलब चीज़ें उठाती है और वो एडवांस बनती है, तो हम तो एडवांस से भी एडवांस हुए फ्रेंड्स हमारा इंडिया तो। और वाकई में फ्रेंड्स मराठा के जितने भी लेजेंड है फ्रेंड उसको सत सत कोटि कोटि नमन फ्रेंड्स, क्योंकि उसने मतलब बहुत शौर्य से लड़े थे मुगलों के सामने फ्रेंड्स, मुगलों के सामने। और पता है छत्रपति संभाजी महाराज जो शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के जो बड़े बेटे थे उसने औरंगजेब को इतना उलझाए लगा रखा, मुगलों को इतना उलझाए रखा फ्रेंड्स के 27 साल तक वो कोई युद्ध ही नहीं जीत पाए थे। और आखिर में फिर वो 27 साल तक इतना उलझाते तो इस तरफ फिर एक तरफ उसको उलझाए रखा तो इस तरफ फिर हमारे जो हिंदू राजा थे उस समय वो सब धीरे 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 ताकतवर होने लगे और मतलब अपना जो साम्राज्य है वो ताकतवर उसको हो गया, क्योंकि औरंगजेब जो था मुगल वो इसने संभाजी महाराज में ही वो मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज में मतलब वो मराठा जो हमारे लेजेंड थे उसी में जो उलझा था फ्रेंड्स। तो उसके बारे में हम क्या हम तो सिर्फ फ्रेंड उसको नमन ही कर सकते हैं फ्रेंड्स, हम उसके बारे में जितना बोले उतना कम है फ्रेंड्स। और ये जो मराठा रेजिमेंट है उसको भी फ्रेंड्स हमारा लाखों करोड़ों सल्यूट है फ्रेंड्स, और हमारी इंडियन आर्मी को भी लाखों करोड़ों सल्यूट है फ्रेंड्स। और वीडियो बहुत बहुत अच्छी थी फ्रेंड्स, अगर मेरी थोड़ी लैंग्वेज में तकलीफ है फ्रेंड्स, मेरे को हिंदी इतनी नहीं आती है, अगर बोलने में कुछ प्रोनाउंस में कुछ इधर उधर हो गया हो तो मैं पहले ही आपको सॉरी बोल दे रही हूँ फ्रेंड्स। अगर मेरे मुंह से कुछ मतलब क्योंकि मेरे को इतना प्रोनाउंस करना नहीं आता है फ्रेंड्स, तो मेरे मन में तो बहुत बहुत सम्मान और इज्जत है इन सब हमारे इंडिया के जितने भी लेजेंड हुए हैं उसके लिए फ्रेंड्स। और वीडियो बहुत बहुत अच्छी थी, सुनील कुमार जी को थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत अच्छी वीडियो सजेस्ट की थी मेरे को। और आपको कोई रिएक्शन करवाना है तो आप कमेंट्स कर सकते हो फ्रेंड्स, और ओरिजिनल वीडियो में बोला ना जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें और मेरा भी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर देखें फ्रेंड्स। और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करना फ्रेंड, और सब्सक्राइब तो आप ज़रूर करना, क्योंकि मेरा 900 आप लोगों के सपोर्ट से ही पहुँच गया है फ्रेंड्स, तो मेरे को 1000 पे पहुँचा दो। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, मराठा रेजिमेंट और हमारे आगे जितने भी लेजेंड हो गए हैं फ्रेंड्स सबको सत सत नमन, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।